दोस्तों बहुत सारे लोग पूरा जीवन जिम में निकाल देते हैं बहुत मेहनत करने के बावजूद उनकी बॉडी में कुछ ही किलोग्राम मसल्स बढ़ता है जिस तरह की बॉडी चाहिए होती है वैसी बॉडी नहीं बनती तो किस जगह कमी रह जाती है जिसके कारण सही रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अगर आप ध्यान दें तो आप बहुत जल्द ही बॉडी में मसल्स गेन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको बॉडी बनानी है और टाइम वेस्टिंग से बचना है तो सही ट्रेनिंग और सही डाइट प्लान को फॉलो करना होगा दोस्तों अगर आपका टारगेट बॉडी में मसल्स बढ़ाने का है तो ऑब्वियसली आपको अपने डाइट में ज़्यादा कैलोरीज को ऐड करना होगा अगर आप अपने डाइट में कैलोरीज को नहीं बढ़ाएंगे और हैवी वर्कआउट करेंगे तो फिर मसल्स एनर्जी के रूप में बर्न होने लगेगा और मसल्स का साइज भी गिरने लगेगा दोस्तों प्रोटीन टर्नओवर को सपोर्ट करने के लिए और मसल्स बिल्डअप के लिए आपको लगभग अट्ठाईस कैलोरी की नीड होती है दोस्तों एक पाउंड मसल्स गेन करने के लिए आपको कितने कैलोरीज की जरूरत होगी इसको आप सिंपल से कैलकुलेशन से जान सकते हैं इस कैलकुलेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऊपर आई बटन को भी क्लिक कर आप इस कैलकुलेशन को जान सकते हैं दोस्तों मसल गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोटीन होता है मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन एक आधार है इसमें पाए जाने वाले जरूरी अमीनो एसिड जैसे कि ल्यूसिन मसल्स के टिश्यूज के रिपेयरिंग और रिबिल्डिंग में मदद करता है यह मसल्स को स्ट्रांग बनाता है जिससे मसल्स को बड़ा होने और साइज बढ़ने में मदद मिलती है इसलिए मसल्स गेन के लिए प्रोटीन लेना जरूरी होता है लेकिन इससे पहले यह भी जानने की जरूरत है कि आपके शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों बॉडी के पर के वेट के अकॉर्डिंग 1.6 ग्राम प्रोटीन का सेवन मसल्स के लिए सही होता है यदि आपका वजन 75 फाइव के है तो एक दिन में आपको लगभग एक ग्राम प्रोटीन लेना होगा लेकिन दोस्तों आपको यह प्रोटीन सही समय पर लेना होगा दोस्तों वर्कआउट के बाद शरीर को प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वर्कआउट के बाद मसल्स ब्रेक होते हैं ऐसे में उसकी रिपेयर और रीबिल्डिंग के लिए अमीनो एसिड्स की अधिक जरूरत होती है जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं इसीलिए वर्कआउट के बाद दो घंटे के अंदर प्रोटीन लेना जरूरी होता है प्रोटीन के लिए आप वे प्रोटीन या एक कप ग्रीक योगर्ट तीन एग्स या फिफ्टी ग्राम लीन मीट और फिश ले सकते हैं दोस्तों मसल स्किन के लिए सही डाइट खाना बहुत जरूरी होता है जंक फूड से सिर्फ कैलोरी मिलती है जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करते हैं इसीलिए जंक या फास्ट फूड को खाना तुरंत बंद करें आप जो भी फूड को कंज्यूम करें सबसे पहले उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को जरूर चेक करें इससे ये पता चलेगा कि आपने कितनी कैलोरी खाई और कितनी फैट खाई है दोस्तों स्लीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मसल्स निर्माण के लिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन रिकवरी और मसल्स निर्माण करता है इसलिए आपको कम से कम छह से सात घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए दोस्तों आपको अपनी मसल्स को हाइड्रेट रखने के लिए प्लेन और क्लीन वाटर पीना बेहद जरूरी है शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए डिहाइड्रेशन आसानी से आपके मास गेन के सपने पर पानी फेर सकता है बॉडी में पानी की कमी होने पर बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर में काफी समय लगता है और शरीर में पानी की उचित मात्रा होने पर हमारे टिश्यूज़ की रिपेयरिंग तेजी से होती है दोस्तों जिम में वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपको समय के साथ अपनी क्षमता के हिसाब से वेट को बढ़ाना चाहिए एक ही तरह की वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते रहने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा इसलिए बदलकर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें इसके लिए आप डेडलिफ्ट और को शामिल कर सकते हैं एक और जरूरी बात यह है कि यदि आप मसल्स मास गेन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करें और बॉडी की एक पार्ट की एक्सरसाइज करने के बाद उस पार्ट की एक्सरसाइज दो दिन के बाद ही करें इससे उस बॉडी पार्ट के मसल्स को ज्यादा अच्छे से ग्रो करने का समय मिल जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी यदि आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी ट्रेनर से सलाह ले सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेलाइकन को जरूर प्रेस कर दें